बेटमा नगर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निधि संघ अभियान के तहत गीता जयंती के अवसर पर भव्य वाहन रैली निकाली गई। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। रैली में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। युवा वाहनों पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। साथ ही वाहन रैली के प्रमुख मार्गों से होते हुए राम मंदिर निर्माण के कार्यालय पहुंची, जहां यात्रा का सम्मान हुआ। पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ताओं ने मंदिर निर्माण में सहयोग लेने के लिए नगर वासियों से आह्वान किया। मकर संक्रांति से राम मंदिर के लिए धन निधि संग्रह की योजना बनाई गई, जहां नगर के प्रत्येक घर से धन निधि संग्रह के लिए कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर पहुंचेंगे। रामलला मंदिर निर्माण के आयोजन में जो हिंदुत्व जागरण के लिए और मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं के माध्यम से, प्रत्येक परिवार के माध्यम से जन सहयोग से मंदिर निर्माण की पहल के लिए पूरे राष्ट्र में एक साथ आज वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बेटमा नगर भी अग्रसर रहा और राम भक्तों ने बड़े ही मर्यादित ढंग से यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के मध्य अनुशासित और मर्यादित तरीके से चलते हुए बेटमा के सरकारी राम मंदिर, जो अति प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूरे नगर में एक शुभ संदेश के साथ प्रत्येक परिवार के सहयोग के लिए, प्रत्येक परिवार के हित में हिंदुओं को एकत्रित कर हिंदुओं के आराध्य देवता भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास नगर में आज किया गया। वाहन रैली के माध्यम से सभी को सूचित किया गया कि भगवान श्री राम का मंदिर कई वर्षों बाद बनने जा रहा है और सभी के सहयोग से पूरे नगर में बड़ा हर्षो उल्लास का माहौल था। सभी राम भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदुओं को संग्रहित करने की संस्थाएं थी, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।